हेलो भाई, नमस्कार। मैं दुर्गेश, अपने यूट्यूब चैनल दुर्गेश टिक में आपका फिर स्वागत करता हूं। आज फिर एक नया वीडियो लेकर आया हूं जो खेत से रिलेटेड है। इसमें एक कमेंट आया है जो पूछा है राजेश यादव जी ने। इन्होंने पूछा है 3.5 में 3 बिसवा और 5 धुर या धुरकी है, धुरकी की माप कैसे की जाती है, कितना लंबा और कितना चौड़ा होता है धुरकी या धुर होता है। तो मैं इनको ये स्क्रीनशॉट आपको कमेंट का दिखाई दे रहा होगा, इनके क्वेश्चन का डिटेल में जानकारी देंगे। एक वीडियो में पिछला बना चुका था, लेकिन अभी उसी वीडियो पे ये कमेंट आया, तो आज इस वीडियो में पूरा क्लियर हो जाएगा कि धुरकी होता है, धुर होता है, क्या होता है, कैसे होता है और कितना होता है। देखिए, इन्होंने पहले पूछा है कि 3.5 विसवा में 5 धुर होता है या धुरकी होता है। यह धुरकी होता है। देखिए, पहली बात तो जो हम जब हमने बताया था हेक्टेयर के बारे में, मान लीजिए 1.2301 इतना हेक्टेयर देता है, एच का मतलब हेक्टेयर। तो ये जो मान दिया है वो पूरे का मान दिया है हेक्टेयर में, अर्थात इसको भी हेक्टेयर बोलेंगे और इसको भी हेक्टेयर बोलेंगे। इसको अब हम कन्वर्ट करते हैं, ये इसके बारे में मैं वीडियो एक डिटेल में बना करके यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है, आपको डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जा करके देख सकते हैं। अब बात करते हैं, सेम यही प्रोसेस है इसके लिए भी, सेम यही प्रोसेस है इसके लिए 3.5 बिसवा में। देखिए, ये जो हमारा 3.5 है ना, ये पूरा टोटल बिसवा में है, अर्थात इसको हम धुर में नहीं कर सकते या धुरकी में नहीं कर सकते। ये 3 भी बिसवा में है और 0.5 भी बिसवा में, अर्थात 3.5 बिसवा है। अब 3.5 बिसवा है तो ये 5 को हम मापेंगे कैसे, 0.5 बिसवा हम कैसे मापेंगे। तो देखिए, इसके लिए फिर छोटी राशि और कन्वर्ट की जाती है। जैसे हम यहाँ पे लिख देंगे इसको, 3 तो अलग हो गया, 3 बिसवा लिख देंगे हम, और 1 बिसवा में 20 धुर होता है। ये मैं कई बार बता चुका हूं, 1 बिसवा में 20 धुर होता है। तो यहाँ पे हमारा जो बचा 0.5, ये 3 बिसवा हो गया, फिर 0.5 जो बचा है, अब इसमें क्या करेंगे हम, 20 का गुणा करेंगे। 20 का गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 1 बिसवा में होता है हमारा 20 धुर होता है, तो यही आधा बिसवा में कितना धुर होगा निकालना पड़ेगा। तो 20 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा, ये कितना आएगा, 10.0। ये किस में आएगा, ये धुर में आएगा। देखिए, अब आ गया 10 धुर, 0.5 का मतलब अर्थात 5 का मतलब हमारा हो गया 10 धुर। अब इसको धुरकी में नहीं कर सकते। अब ये जो पूरा मान आया है हमारा 10.0 धुर जो आया है, मान लीजिए अगर आ जाता 10.2 आ जाता, ये धुर आ जाता। यहाँ तो सिंपल 0 आ गया तो कोई मतलब नहीं है, 10 धुर आराम से माप लेंगे, लेकिन यहाँ पे 10.2 धुर आ जाता, तो अब इसको हम ये भी धुर कहेंगे इसको भी, और 0.2 को भी कहेंगे धुर ही कहेंगे। अब कन्वर्ट करना रहेगा धुर को, धुर को कैसे मापेंगे, तो उसको क्या करेंगे, अब 0.2 गुणे यहाँ पर 20 करेंगे। अब यहाँ फिर क्यों 20 कर रहे हैं, क्योंकि 1 धुर में 20 धुरकी होता है, 1 धुर में 20 धुरकी होता है, तो इसका फिर गुणा करेंगे तो ये आएगा 40, एक अंक पे दशमलव लगेगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 4 धुरकी। अब तो यहां तक आशा करता हूं क्लियरली अच्छे समझ में आ गया होगा कि अगर दशमलव में दिया रहता है जो मान, वो पूरा एक ही में रहता है, ये नहीं कि दशमलव के बाद कुछ और होगा और दशमलव के पहले वाला जो अंक है उसका कुछ और मीनिंग आएगा, अर्थात सेम 3.5 तो 3.5 पूरा बिसवा होगा। 0.1305 ये हेक्टेयर में रहेगा, तो ये पूरा में हेक्टेयर में रहेगा, 1 भी हेक्टेयर में रहेगा और 0.35 भी हेक्टेयर में रहेगा। अगर मान लीजिए यही बीघे की बात आती है तो 4.32 ये आ गया, तो ये पूरा बीघा ही रहेगा, अर्थात ये नहीं होगा कि ये 4 अलग बीघा हो जाएगा और 3.2 ये बिसवा में आ जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। ये भी बीघा और ये भी बीघा, अर्थात 4.32 बीघा हो जाएगा। अब बात करते हैं धुर के बारे में। देखिए, मान लीजिए एक प्लॉट हमारा है, इसको थोड़ा हटा देते हैं, आपको धुरकी के बारे में अच्छे से बता देते हैं।
ये जो पांच है इसका मतलब आशा करता हूँ कि अच्छे समझ में आ गया होगा कि दस धुर के बराबर होगा। तो अब मान लीजिए एक बिस्वा हमारा ये प्लॉट है, एक बिस्वा का एक बिस्वा कितना होता है ये मैं कई बार बता चुका हूं, अर्थात चार लट्ठा एक तरफ से चलेंगे और पांच लट्ठा एक तरफ से चलेंगे, लंबाई में चार लट्ठा और चौड़ाई में पांच लट्ठा, तो वो जो आएगा वो एक बिस्वा प्लॉट आएगा। अर्थात देख लीजिए, मान लीजिए ये हमारा लंबाई है तो पांच बार एक दो तीन और चार हो गया, फिर ये लंबाई है इसमें पांच हो जाना चाहिए, एक दो तीन चार एक पांच, ये सभी खाने बराबर बराबर हैं। देखिए अब ये हमारा पूरा जो प्लॉट है ये एक बिस्वा है, एक बिस्वा हो गया। अब एक बिस्वा में बीस धुर होता है, तो अर्थात एक धुर का सिंपल मतलब होता है कि जो एक बिस्वा का बीसवां भाग होगा, बीसवां भाग होगा एक धुर के बराबर होगा। ये भी एक धुर होगा, ये भी एक धुर होगा, ये भी एक धुर होगा। अब बात करेंगे धुर की, तो अब इसमें क्या करेंगे हम बीसवां भाग निकालेंगे तो जो आएगा मान वो धुर की में आएगा, अर्थात देख लीजिए कितना कम आएगा। इसको अब करते हैं, एक दो तीन एक चार हो गया, फिर इसके बाद करेंगे इसका भाग एक दो तीन चार और पांच, तो ये जो आएगा भाग ये वाला ये होगा, आशा करता हूं ये दिखाई दे रहा होगा, ये जो भाग आएगा वो धुरकी के बराबर आएगा। और धुर मापेंगे तो एक लट्ठा लंबा, एक लट्ठा चौड़ा, एक लट्ठा लंबा, फिर एक लट्ठा चौड़ा, चारों तरफ से जब एक एक लट्ठा हो जाता है तो वो एक धुर के बराबर होता है। और हमारे यहाँ जो लट्ठा चलता है 8.25 फीट उसके अनुसार ये सब कैलकुलेशन है, और आपके यहाँ जितना फुट का लट्ठा चलता होगा वो आप उसके अनुसार निकालेंगे। तो वो मान लीजिए कहीं लट्ठा 5.5 हाथ का, 6.5 हाथ का, 9.5 हाथ का चलता है, तो अगर आप लट्ठे की सहायता से एक लट्ठा लंबा चौड़ा चारों तरफ से अर्थात माप लेंगे एक एक लट्ठा, तो वो जो जमीन आएगी वो एक धुर के बराबर आएगी। तो अब आशा करता हूं कि आपको बीघा में दिया रहेगा, हेक्टेयर में दिया रहेगा, और बिस्वा में दिया रहेगा, धुर में दिया रहेगा, तो जो पूरा मान दिया रहेगा वो पूरा होगा बिस्वा में ही होगा, जिसमें मान दिया रहेगा वो उसी में होगा। अब उसको हम कन्वर्ट करने के बाद देखेंगे कि वो बगल वाला अर्थात दशमलव के बाद वाला किसमें आ रहा है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर अब भी कोई प्रॉब्लम है कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब